नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर पहले भाई का पोर्टफोलियो ले लेंगे, उसके बाद मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करूंगा और लास्ट में कुछ कमेंट्स ले लेंगे। तो आज का पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है, शक्तिमान लवर्स का पोर्टफोलियो है। तो क्वांट स्मॉल कैप में लमसम किया हुआ है, SIP किया हुआ है। लमसम है 3,31,000, SIP है 3,000। काफ़ी खिचड़ी वाला पोर्टफोलियो लग रहा है मुझे, आप देखते रहिए। DSP स्मॉल कैप में लमसम है 3,08,000 और SIP है 3,000। ये दो स्मॉल कैप हो गए, उसके बाद फिर से और एक स्मॉल कैप लेकर रखे हैं, SBI निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ये आम जो भी स्मॉल कैप यहाँ पे आएगा तो टोटल यहाँ पर भी है वो सब। तो 2,33,000 का लमसम किया है, SIP है 3,000। निपॉन इंडिया मिड कैप है 1,63,000 लमसम। निपॉन स्मॉल कैप है, SIP है 3,000। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स 150 है, ये 1,38,000 है लमसम और SIP है 3,000। तो मिड कैप 150 का इंडेक्स लिया हुआ है। पराग पर एक फ्लेक्सी है, लमसम है 25,000। आदित्य बिरला PSU है, लमसम 25,000। क्वांट एक्टिव फंड है जो कि मल्टी कैप फंड है, SIP है 3,000। कनाडा रुबे को स्मॉल कैप है, इसमें लमसम है 10,000, SIP है 3,000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, अच्छा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स है यहाँ पर, और एक्टिव फंड भी है, मतलब लमसम 20,000, SIP 3,000। काफ़ी भयानक खिचड़ी वाला लग रहा है मुझे। SBI स्मॉल कैप SIP 3,000। HDFC मिड कैप लमसम किया हुआ है 2 लाख, सॉरी 20,000 और SIP है 3,000। एक्सिस स्मॉल कैप SIP है 3,000। तो एक नोट डाउन करते हैं, तो मुझे ये ऐसे पता नहीं लग रहा था इसलिए मैं सिंप्लीफाइड वे में लिखा हूँ। यहाँ पर लमसम है, SIP है। तो क्वांट स्मॉल कैप में 3.3 लाख का लमसम किया हुआ है, SIP भी चल रहा है 3,000 का। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंड्स है इनका SIP का, और लमसम में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंड्स है लमसम का। कुछ कुछ ओवरलैपिंग है इसमें इसमें लमसम और SIP में। क्वांट स्मॉल में देखिए ओवरलैपिंग है, DSP स्मॉल में 3.08 लाख और 3,000 का ओवरलैपिंग है। स्मॉल SBI में भी ओवरलैपिंग है 2.33 और 3। निपॉन मिड और निपॉन स्मॉल, ये वाला मिड है लमसम का और ये है स्मॉल डेडिकेटेड टू SIP। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स, इसमें है ओवरलैपिंग तो 1.3 लाख, 8 लाख और 3,000। पराग पर फ्लेक्सी यहाँ पे है लमसम में और SIP में नहीं है। आदित्य बिरला PSU लमसम में है, इसमें नहीं है। कैनरा बैंक का स्मॉल दोनों में है। मोतीलाल ओसवाल मिड एक्टिव फंड दोनों में है। HDFC मिड कैप दोनों में है। यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया एक्सिस स्मॉल कैप जो कि SIP का तौर से है। तो बहुत सारे फंड्स लेके रखे यार, आपको पता है कि आप जहाँ पे SIP कर रहे हैं वहाँ पर भी लमसम कर सकते हैं, तो पता तो है, इसलिए ओवरलैपिंग है। तो एक्स्ट्रा आप लमसम का अलग फंड और SIP का अलग फंड क्यों रखा है मुझे पता नहीं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर से एक्सिस का स्मॉल कैप देखिए, यहाँ पर 3,000 रुपये आप SIP कर रहे हैं और कोई भी लमसम नहीं है, आपका कुछ भी इफेक्ट ही नहीं देगा ये वाला फंड आपके पोर्टफोलियो में। इसका रखना नहीं रखना कोई कोई फायदेमंद नहीं है। क्वांट एक्टिव फंड दोनों का ऐसे रखने का कोई फायदा नहीं है। 3,000 का आपका कॉर्पस इतना अच्छा खासा है, 30,000 इनका SIP का अमाउंट है, तो 3,000 3,000 करके ऐसे इतना फंड्स लेके आप पूरा मार्केट खरीद लिए हो पूरा एकदम। तो इससे बेटर है आप डायरेक्टली एक एक Nifty 50 का इंडेक्स फंड ले लेते, एक मिड कैप का इंडेक्स फंड ले लेते, एक स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ले लेते, एक माइक्रो कैप का इंडेक्स फंड ले लेते। चार इंडेक्स फंड से आपका काम चल जाता है। तो इतना एक्सपेंस रेशियो भी जा रहा है आपका इतना सारा, और बहुत सारे फंड लेके रखे हो आप। तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, सीधा सीधा हिसाब है, एक फ्लेक्सी या फिर मल्टी कैप रखो। जैसे आपके पास यहाँ पर पराग परेख का है फ्लेक्सी और यहाँ पे है क्वांट का मल्टी कैप फंड, तो आयदा दोनों में से एक रखो। दूसरा है मिड कैप रखो आपका, क्योंकि अमाउंट और लमसम का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो दो मिड कैप रख सकते हो, यहाँ पर भी मिड कैप रख सकते हो। इसमें हो गया आपका मोतीलाल ओसवाल जो कि बेहतरीन है, इसमें हो गया आपका HDFC या फिर निपॉन, ये दोनों में से एक रखो आप तीनों लेके रखो, तीनों का जरूरत नहीं है, ये तो रखो ही रखो, और HDFC और निपॉन में से एक रखो। चौथा है आपका लिए हो आप निपॉन स्मॉल, दिस इज गुड, रखे रखे रहो। पांचवा है क्वांट स्मॉल, दिस इज ऑल्सो गुड, रखे रहो। आपका जो एक्स्ट्रा कैनरा रोबे को लिए हो, फिर एक्सिस स्मॉल कैप लिए हो, ये सब का कोई जरूरत नहीं, इतना स्मॉल कैप इतना मिड कैप लेने का जरूरत नहीं है। पांच पांच फंड से आपका काम चल जाएगा। छठा फंड आपके पास है कि PSU वाला फंड आदित्य बिरला का, उसको भी आपको रखना चाहिए, तो रख सकते हो, क्योंकि आपका लमसम और SIP का अमाउंट भी काफी बड़ा है। तो आपका सिक्स फंड से काम चल जाएगा। आपको निकालना कौन कौन सा है यहाँ से देखिए,
एसबीआई स्मॉल कैप इंडेक्स रखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ सारे स्मॉल कैप का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो डायरेक्टली ये फंड अलग से लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। डीएसपी स्मॉल कैप को हटा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्वांट और निपॉन है आपके पास। निपॉन मिड या फिर एचडीएफसी मिड को एक चूज कीजिए, ठीक है? मेरे ख्याल से अगर मैं चूज करूंगा तो निपॉन मिड मिड को चूज करने वाला हूँ। तो एचडीएफसी मिड को हटा सकते हैं आप। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये देखिए मिड कैप इंडेक्स लेके रखे हो यहाँ पर, ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप अलग से है, तो दोनों का ही बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगा, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगा आपका। तो मोतीलाल ओसवाल को मिड कैप इंडेक्स यहाँ से निकाल सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का एक्टिव फंड को रख सकते हो। पराग पर एक फ्लेक्सी को रखो या फिर क्वांट एक्टिव फंड को रखो, मेरे ख्याल से पराग पर एक फ्लेक्सी को रखना चाहिए, क्वांट एक्टिव को निकाल देना चाहिए। आदित्य बिरला पीएसयू इज फाइन, कैनरा बैंक को स्मॉल को निकाल दो, एचडीएफसी मिड को निकाल दो, और यहाँ से एचडीएफसी मिड तो निकल ही गया, कैनरा बैंक को स्मॉल निकल गया, एक्सिस स्मॉल का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है इसका, इसको निकाल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड नहीं है, निपॉन स्मॉल तो है ही आपके पास, एसबीआई स्मॉल का जरूरत नहीं है, डीएससी स्मॉल का जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे रिफाइनमेंट करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो, अल्टीमेटली क्या आके बैठेगा, आयदा पराग परिक। तो मेरे ख्याल से पराग परिक एक हो गया पहला, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल, तीसरा है निपॉन मिड, ठीक है, चौथा है निपॉन स्मॉल। अच्छा, अगर निपॉन का दोनों चीज आ रहा है, निपॉन मिड और स्मॉल, एक ही एएमसी का दोनों नहीं रखना चाहते हो, तो निपॉन मिड के जगह एचडीएफसी की मिड को रख सकते हो, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव है आपके पास। पांचवा है क्वांट स्मॉल, छठा है पीएसयू फंड एबीएसएल का, बस हो गया। इतना कॉम्प्लेक्स मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, बहुत सारा कंफ्यूजन है इस पोर्टफोलियो में, मुझे खुद 15-20 मिनट लग गया इसको डिसाइफर करके लिखने के लिए। तो ऐसे करके करके आपका थोड़ा सा फंड का रिफाइनमेंट जरूरत है, क्योंकि आपका कॉर्पस जो है बोथ एसआईपी एंड लमसम दोनों कॉर्पस काफी ठीक ठाक है, तो आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है, लेकिन डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखना है आपको। आगे बढ़ने से पहले गाइस, टेलीग्राम चैनल है मेरा प्रतीक गुन ऑफिशियल करके सर्च कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी सवाल है या फिर कुछ भी चीज़ डिस्कस करना हुआ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स स्मॉल केसेस एंड म्यूचुअल फंड्स, तो ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अभी अभी बात कर लेंगे मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। पूरा ग्रीन है पोर्टफोलियो, जो कि अच्छी बात है। तो लगातार 2-3 दिन से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, हालांकि ज़्यादा रैली नहीं दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है, तो जो भी हो एटलीस्ट ग्रीन में एंड कर रहा है, यही बेटर चीज़ है। क्वांट मिड का 46% एक्सेलरेशन है, 0.53% ऊपर गया है, कंपेयर टू दो मिड कैप इंडेक्स है 1% से ज़्यादा बढ़ा था, तो लेकिन ये 0.53% है, तो हाफ ही बढ़ा है ये। तो आइस हम लोग टाइम देंगे क्वांट को, आहिस्ता आहिस्ता क्वांट रिकवरी करेगा। तो 130 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 3,700। आदित्य बिरला पीएसयू 54% एक्सेलरेशन है, 0.36% ऊपर गया है, ज़्यादा खास नहीं बोलेंगे इसको, 95 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 6,500। महिंद्र मनुला स्मॉल कैप 0.25%, ये भी कंपेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे उतना ज़्यादा खास ऊपर नहीं गया है, 55% एक्सेलरेशन है, 66 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 6,500। ऊपर चलते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, तो करीबन सेम ही प्रॉफिट दिया है, 0.5% स्मॉल कैप उठा था और माइक्रो कैप का वही 0.55% इंक्रीज हुआ है, 55% का एक्सेलर है, 150 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 6,600। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो कि मिड कैप 1% से ऊपर गया था कल, लेकिन उतना ऊपर नहीं गया, फिर भी 0.80% ठीक ठाक है, 237 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 7,000। क्वांट इंफ्रा उतना खास परफॉर्मेंस नहीं करते हुए आ रहा है, बहुत दिनों से पिट रहा है, तो मैं उस दिन देख भी रहा था सेक्टोरल फंड्स में से क्वांट काफ़ी नीचे आ रहा है, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, और कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कोई कोई बंदा चेंज कर लिया है फ्रॉम क्वांट इंफ्रा टू एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एलआईसी का हर एक फंड्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है रिसेंटली, बट आई विल स्टिल होल्ड, मेरा एसआईपी भी जारी है इसमें, तो आई विल नॉट स्टॉप द एसआईपी, तो बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव सम टाइम टू क्वांट। ऐसा नहीं है कि इतना दिन से 10 साल से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा था, अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, हालांकि अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, तो आई विल प्रॉब्ली गिव सम टाइम टू क्वांट, आई विल सी फॉर अनदर 1 ईयर। तो 0.17 का राइस दिया है कल, 52 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4,000। बंधन स्मॉल कैप 0.80, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स, 325 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 11,000। बंधन स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड निकल के आ रहा है, लगातार हर एक पीरियड में, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल,
2 साल हर एक पीरियड में अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है, इसका कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आ रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, जो लोग भी नया नए से स्टार्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग, तो बंधन को जरूर कंसिडर करें। अच्छा, क्वांट स्मॉल कैप वहीं पर 0.8, आज का सबसे ज़्यादा इसी ने दिया है, क्वांट स्मॉल कैप ने बंधन से भी वो 0.01% ज़्यादा दिया है। 520 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 12,800। और ऑल ओवर का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,65,000 इन्वेस्टेड था, अभी करंट वैल्यू होकर रखा है 3,40,000। तो वन डे रिटर्न ठीक ठाक है, 2,000 रुपये, उतना हम लोग नीट पिकिंग नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, तो 2,000 का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक। तो वो टोटल रिटर्न है 75,000 के करीब, जो कि अभी भी कम है ऑल टाइम हाई रिटर्न से, एक्सायर है 54% करीब। अभी कुछ कमेंट्स ले लेंगे हम लोग। पीसीबी गलकोट बोल रहे हैं माइन 1.7% राइज हुआ है बीएन स्मॉल कैप में। बीएन स्मॉल कैप का मेरे मुझे उतना खास नहीं लगता है, काफ़ी ओवर हाइप लगता है मुझे बीएम स्मॉल कैप का, स्मॉल केस जो है बसंत माहेश्वरी जी का, इतना हाई अमाउंट है, 35,000 इनका ईयरली चार्ज है, तो उतना जो इससे बेटर और भी स्मॉल केसेस है जो कम सब्सक्रिप्शन फीस में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, लेकिन ठीक ठाक है अभी, ये तो इंडिविजुअल चॉइस हो गया, क्या ही बोले। सागर बोल रहे हैं जस्ट ए सजेशन, मूव हाफ ऑफ योर डिफेंस फंड टू जीआई मिड कैप, इट्स कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग गुड। जीआई मिड कैप है अच्छा, ये एक अच्छा स्मॉल केस भी है, लेकिन फिलहाल तो यार रिसेंटली मार्केट में काफ़ी नीचे आ रहा है, मार्केट वोलेटिलिटी, एक दिन ऊपर 2 दिन नीचे, एक दिन ऊपर 2 दिन नीचे, ऐसा करके आ रहा है। तो जीआई मिड कैप भी कंसिक्वेंस फेस कर रहा है, नॉट एज एज मच एज डिफेंस स्टॉक्स, बट फिर भी, बट मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक ट्रिगर पॉइंट मैं सोच के भी रखा हूँ कि अगर उससे नीचे आएगा तो आई विल रोटेट सम मनी फ्रॉम डिफेंस टू सम अदर ब्रॉडर इंडेसेस, फंड्स या फिर स्मॉल केसेस, देखना है वो। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, हाई अमाउंट रख दिया था एक ही थीम पे, एक ही सेक्टर पे, जो इतना लगाना नहीं चाहिए था। प्रॉब्ली 40 to 50% अमाउंट मेरा एक ही थीम पे लगा हुआ है, और वो काफ़ी ओवरवैल्यूड भी हो चुका है। तो आई एम वेटिंग फॉर अ रैली, शॉर्ट रैली अगर कुछ दिख जाए मार्केट में, आई एम वेटिंग फॉर फेड्स रेट कट, रेट कट का अगर के बाद अगर कुछ रैली दिखे मार्केट में, देन आई विल प्रॉबली रोटेट सम ऑफ द मनी फ्रॉम डिफेंस टू अदर सेक्टर्स। अच्छा, ऊपर चलते हैं। अभी जिमी बोल रहा है, ब्रो आई वांट टू सजेशन, आई हैड 2 लाख इन वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस एंड 1 लाख इन स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप एंड 1 लाख इन अल्फा ईटीएफ। अल्फा ईटीएफ काफ़ी अच्छा ईटीएफ है, एम आई इन्वेस्टिंग करेक्टली? आपका सही है इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट स्मॉल कैप का अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉराइजन है तो मैं बोलूंगा होल्ड करते रहो, क्वांट को मत छोड़ो, क्योंकि क्वांट का अच्छा परफॉर्मेंस दिया दिया है इन द लॉन्ग रन इन इन हिस्ट्री, तो क्वांट को मत छोड़िए। वैल्यू माइग्रेशन भी ठीक ठाक स्मॉल केस है, अच्छा रिटर्न फिलहाल तो दे रहा है। डू आई नीड टू चेंज समथिंग? कुछ चेंज मत करो, आई हैव स्पेयर 2 लाख्स, वेयर शुड आई इन्वेस्ट नाउ? तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो अगर, तो आपको नया स्मॉल केस लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 लाख के कॉर्पस में ज्यादा अच्छा खासा आपका जो ये है सब्सक्रिप्शन फीस है वहीं पर निकल जाएगा। आइदर आप एक काम कर सकते हैं, एक फ्री वाले स्मॉल केस में लगा सकते हैं, आइदर नेकेड ट्रेडर या फिर कोई भी सेक्टरल स्मॉल केस, फ्री वाले नॉट प्रीमियम स्मॉल केस, तो आपका कुछ पैसा बनेगा। या फिर आप काम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आपके पास एक स्मॉल कैप है यहाँ पर देख सकता हूँ मैं, मिड और फ्लेक्सी कैप नहीं है, तो 1 लाख 1 लाख रुपये मिड और फ्लेक्सी में बांट सकते हैं। फ्लेक्सी में बांटेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप अच्छा है, और मिड कैप में बांटेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंसिडर कर सकते हैं आप। अनि बोल रहा है हाय कैन यू शेयर स्टॉक, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं स्मॉल केस के बारे में। रौनक बोल रहा है आपका तो एक्सपीरियंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, इतना स्मॉल केस रखे हो बट फंड्स कम है इंडिविजुअली, तो फंड्स नहीं स्टॉक्स बोलते हैं उसको। हाँ, तो मैं इसीलिए स्मॉल केस को लिया था कि कंसंट्रेशन रहे मेरे पोर्टफोलियो में। म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, तो ऑलरेडी मेरा डाइवर्सिफिकेशन है भी अपने पोर्टफोलियो में, इसलिए आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन अनदर एसेट क्लास जहाँ पर कुछ मेरा कंसिड्रेशन बरकरार है, इसीलिए मैं तो मेरा 24 स्टॉक्स है 30 लाख में, 30 लाख्स में 24 स्टॉक्स है, तो कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, तो इसके लिए मेरा रिस्क भी काफ़ी हाई है, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव भी जा रहा है स्मॉल केस का, तो लेट्स सी कब ये उभर के आता है। अच्छा, जॉयदीप घोष बोल रहा है वैल्यू एंड मोमेंटम ग्रोथ एंड इनकम, तो मैं इनसे इस वीडियो में पूछा था कि कोई अगर अपना कोई स्मॉल केस जहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप लोग, अगर ऐड करना चाहते हो वीकली राउंड अप के वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 वीक का बेस्ट परफॉर्मिंग एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल केस के बारे में, तो ये बताया है, ऑब्वियसली आई विल इंक्लूड देम। देवांजन देस बोल रहे हैं सी डब्ल्यू एफ डिफेंस विल बी ऑन टॉप फॉर नेक्स्ट वीक,
तो ये मजा किया बेसिकली। तो डिफेंस तो इतना नीचे जा रहा है, ये तो टॉप ऊपर से टॉप नहीं है, नीचे से टॉप जा रहा है सब सभी डिफेंस स्मॉल कैसे डिफेंस स्टॉक्स। तो ये तो कभी होने नहीं वाला है, एटलीस्ट 1-2 साल के लिए तो नहीं लग रहा है कि डिफेंस कोई टॉप में आएगा। यश वंश या बोल रहा है भाई, बसंत महेश्वरी का फंड का परफॉर्मेंस डाला करो, ज्यादा व्यूज मिलेगा। तो पता नहीं मुझे, आप बोले हैं तो मैं डाल दूंगा, लेकिन बसंत महेश्वरी जी का जो स्मॉल केस है व्यूज के कारण मैं डालना नहीं चाहता कि, लेकिन आप बोले हैं तो मैं डाल दूंगा। नूरदीन बोल रहे हैं स्मॉल केस का पीस, लास्ट कमेंट है आज का, स्मॉल केस का पीएसयू बैंक्स और एसआईपी के बारे में बोलिए, तो मैं इसका भी डाल दूंगा अपने ट्रैकर में कि हम लोग ट्रैक कर पाए इसका भी परफॉर्मेंस कैसा है। तो आपका जो रिक्वेस्ट है आई विल फुलफिल इट। तो यहीं पर एंड करते हैं गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।